नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार महा कवरेज हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज जो है अफीम सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक नीमच नारकोटिक दफ्तर में हुई है, किस तरीके से यहां पर तमाम सांसद विधायक मौजूद थे, किस तरीके की बात यहां अंदर रखी गई है, क्या आने वाली पॉलिसी जो है 24-25 में किस तरीके से अफीम किसानों को लेकर जो मुद्दों पर बात होती है किस तरह की राहत अफीम किसानों को मिली, किस तरह की चर्चा अंदर हुई है। देखिए, सबसे पहले तो नवीन भाई आपको और आपकी इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वेगा पदारिया न करसाना की खबर लेवाना से टेम टेम पे आया करो तो सबको मन राजी रहे। और यह जो बैठक आज आपड़ा ने करी करसाना भले, अनको मूल काम यो है कि दिक्कत तो 10 साल थी दूर कर रखी है, लेकिन जो जो दिक्कत रोज के काम में आवे वहाँ ने भी निपटानो यो आपड़ो मुख्य कर्तव्य है। तो प्रिय मित्र नवीन भाई, हम सब किसान भाई और जनप्रतिनिधि आज आपके माध्यम से उठाई गई समस्याएं, किसानों को आने वाली दिक्कतें, जो कि पॉलिसी हर साल बनती है इसलिए हर साल उसमें संशोधनों की आवश्यकताएं रहती है, तो हमने ऐसे सजेशंस यहां कलेक्ट किए हैं। उन सजेशनों को मैं भी एग्जाई करूंगा कि जो किसान भाइयों ने दिए, और फिर उसका एक रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार के समक्ष उसको हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमारे किसानों को अधिकतम अफीम खेती करने का अवसर प्राप्त होता रहे। क्या बड़ी बात है किसानों की तरफ से यहाँ रखी गई ने? किसानों ने मूल्य को लेकर विषय उठाए हैं, किसानों ने अपने क्षेत्र में CPS और लॉन्सिंग, इसमें मार्फिन की जो परसेंटेज रहती उसको लेकर विषय उठाए हैं, किसानों ने तोल की जो पद्धति है उसको ऑनलाइन करने के लिए की तारीख डेट उनको समय पर उपलब्ध हो जाए, उन्हें घूमना न पड़े इसके लिए विषय उठाए हैं। मैंने भी विषय रखे हैं कि जिन किसानों ने डोड़ा चुरा, हमारा डोड़ा जो CPS वाला काट के देते हैं उसमें कभी कोई वेरिएशन आ जाता लेंथ में, तो उसको पंचनामे का पार्ट बनाया जाता, उससे मुक्ति दिलाई जाए, और नामांतरण प्रक्रियाओं को जो उस समय लेते हैं उसको थोड़ा समय पर पहले ले लें, ताकि एक साथ सारी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा, जितना चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइसेंसिंग प्रक्रिया का पार्ट बनते बनते हम 13,000 किसानों से उठकर अब 1.5 लाख किसानों पर पहुंचने वाले हैं। विभाग में स्टाफ की कमी है, उसको भी हमने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि आप अपना डिमांड आगे भेजें, ताकि किसानों को उस समय असुविधा न रहे। और कुल मिलाकर जनप्रतिनिधियों के सुझाव, किसानों के सुझाव सुंदर सुझाव हैं, लंबी फहरिस्त है, उसको हम एग्जाई करके आगे रखें। आखिरी दो सवाल, क्या डोड़ा चुराव को NDP एक्ट से बाहर निकाला जाएगा? देखिए, एक बात है कि इस पर मंथन अध्ययन दोनों चालू है और हमने इसको बहुत पहले उठा लिया है, और इसके बाद इनके सेक्शंस में भी अमेंडमेंट के लिए भी हमने ये विषय सांसद CP जोशी ने और हमने लंबे समय से इसको रखा है, उस पर निर्णय होना नहीं होना, मगर वो प्रक्रिया का एक अंग है और उस पर लगातार सरकार की अपनी एक्सरसाइज है। मूल्यों को बढ़ाने के लिए भी टेरिफ कमीशन तक हम लोग गए हुए हैं, और ये दोनों बातें हैं, इस पर हम लगातार फोकस करेंगे। आखिरी बड़ा सवाल, एक किसानों की ये भी मांग है कि अन्य फसलों में जिस तरह के मुआवजे की बात की जाती है, तो क्या अफीम पॉलिसी में मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, ये विषय तो अच्छा है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि ये दोनों अलग विभागों के नियंत्रण में रहती है और इसलिए एक लंबी प्रक्रिया है, उसकी अपनी तकनीकी सुविधाएं भी और दुविधाएं भी है। इस विषय को हमने जयंत सिन्हा जी जब वित्त राज्य मंत्री थे उस पर बड़ा एक्सरसाइज हमने इस पर किया हुआ था, बीमा कंपनियों से लेकर सबके भी सजेशन सरकार ने उस समय लिए थे। तो सुना आपने, ये थे सांसद सुधीर जी गुप्ता जिनसे हमने बात की किस तरीके से नई अफीम पॉलिसी को लेकर जो है यहाँ पर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी सलाहकार समिति, उसमें अपनी बात रखी गई, साथ ही लगातार अपडेट हम आपको देते आ रहे थे किस तरीके से लगातार अफीम किसानों को लेकर यहाँ पर जो बात की गई है।